वेलकम इन आवर चैनल मार्केट न्यूज। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियो। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में, जिसमें आज फिर से 3i इन्फोटेक का नया न्यूज निकल के सामने आया है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप इन्वेस्टर हो तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर है, क्योंकि जो इन्होंने अप्लाई किया था पहले जो मई के महीने में, उसके तरफ से जो आज के दिन में निकल के सामने आई न्यूज की RBI की तरफ से अप्रूवल मिल गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो अनाउंसमेंट है उसमें यहाँ पे लिखा है इंटीमेशन ऑफ रिसीप्ट ऑफ अप्रूवल फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर अर्ली रिडेम्पशन ऑफ फॉरेन करेंसी एंड कन्वर्टिबल बॉन्ड्स। तो इसके बारे में चलिए दोस्तों, यहाँ पे PDF मैंने ओपन कर लिया, देख सकते हैं 30 सितंबर के यहाँ डेट है। 3i इन्फोटेक लिमिटलेस एक्सेलेंस, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट इन्होंने किस सब्जेक्ट के तौर पे इन्होंने सबमिट किया है ये एप्लीकेशन जिसके बारे में आया, तो स्टेक होल्डर को इन्फॉर्म किया इन्होंने कि इंटीमेशन ऑफ रिसीप्ट ऑफ अप्रूवल फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर अर्ली रिडेम्पशन ऑफ फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स, यानी जो FCCB जो होता है ना, फॉरेन करेंसी जो बॉन्ड्स जिस हिसाब से इंडिया में इशू किए जाते उसी तरह से ये फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स दूसरे के लिए जो इंडिया के बाहर उनके लिए इशू किया जाता है, तो इसके हिसाब से इन्होंने अपना अप्रूवल मांगा था कि मई 2021 को इन्होंने अपना इंटीमेशन दिया था कि RBI की तरफ से। तो इन्होंने अपने स्टेक होल्डर को अब इन्फॉर्म किया है कि इनको जो अप्रूवल है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से मिल गया है, किस लिए, तो अर्ली रिडेम्पशन ऑफ एन आउटस्टैंडिंग FCCB कि जो उसका जो है वक्त से इनको पहले रिडीम करना था तो उसके लिए रिडेम्पशन के लिए अप्रूवल मिला है। द कंपनी विल कन्वीन ए बोर्ड मीटिंग, कंपनी एक बोर्ड मीटिंग करेगी इसके लिए कि ये इसका जो रेजोल्यूशन है वो कब से इफेक्टिव होगा और अपने होल्डर्स के जो FCCB रिडीम करना चाहते हैं या और फॉर फिक्सिंग द रिडीम्पशन डेट, यानी जो डेट है उसको फिक्स करने के लिए अपना बोर्ड मीटिंग करेगी। और प्रायर इंटीमेशन ऑफ सच बोर्ड मीटिंग्स आर रिक्वायर्ड बाई SEBI, और जो जब ये बोर्ड मीटिंग शुरू होगा तो उसके बारे में भी एक्सचेंज को इन्फॉर्म करेगी और बोर्ड मीटिंग ख़त्म के बाद जो उसका रिजल्ट आएगा वो भी और डेट भी इन्फॉर्म करेगी। तो दोस्तों, ऐसे ही अगर आप एक एक खबर से अपने आप को अपडेट रखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करें। दोस्तों, जो रिलिस्टिंग से रिलेटेड न्यूज़ थी मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि किस तरह से डीमैट अकाउंट में जो भी अमाउंट था वो 10 के मल्टीपल्स में था, यहाँ देख सकते हैं मैं बताऊँगा उसमें जो था वो 10 के मल्टीपल्स में आया है और बाकी के जो अमाउंट है, बहुत सारे लोग मुझसे सवाल पूछे इसलिए मैं इस वीडियो में बता देना चाहता हूँ कि जो बाकी के अमाउंट है उसको उन्होंने जो मीटिंग हुआ था मैंने वो अटेंड किया था तो उसमें बताया था उन्होंने कि जो बाकी के अमाउंट रहेंगे वो सीधा वहाँ से ट्रांसफ़र होंगे और बाद में उसको सेल करके मार्केट में जो उनका प्राइस रहेगा वो उनके डीमैट अकाउंट में भेज दिया जाएगा। ये कब होगा इसका डेट अभी तक किसी को पता नहीं है, वो डिसाइड करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे इस बारे में। और बाकी के जो अमाउंट है वो 10 के मल्टीपल्स में आपके अकाउंट में रिड्यूस होकर भेज दिया गया ईमेल के थ्रू, कि आप देख सकते हैं कि पहले आपका क्वांटिटी कितना था और अभी कितना है। जैसे अगर आपके 10 क्वांटिटी हैं, अगर आपके 10 क्वांटिटी रहे होंगे 3i इन्फोटेक के, तो जो आपके अमाउंट वहाँ पे अभी आपको ईमेल रिसीव हुआ होगा कि आपके 1 क्वांटिटी जो है क्रेडिट किया गया है और जो डिडक्शन हुआ है वो 10 क्वांटिटी का हुआ है, जिससे कि कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रह सके। और बाकी के जो बात हुआ कि अभी क्या होगा, कितने प्राइस पे लिस्टिंग होगी, तो वो अभी मुझे लगता है कि कुछ जब भी लिस्टिंग की न्यूज़ आएगी उस दिन देखा जाएगा। हो सकता है कि उस दिन आपको बड़ी तेज़ी देखने को मिले, हो सकता है शेयर के 100 रुपये के ऊपर भी लिस्ट होता हुआ दिख सकता है। और यहाँ से दोस्तों, यहाँ से और उसके बाद भी एक बड़ी तेज़ी देखने की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि जो कंपनी का शेयर था मार्केट में वो 10 times रिड्यूस हो चुका है, जिसके कारण इसमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। और जो इनका बिजनेस चेंज हुआ है वो भी मैंने अपने जो 1 वीक पहले वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था, जब भी मैं वो इन्वेस्टर मीट जो मीटिंग अटेंड किया था उसके बाद से, कि उसका जो बिजनेस किस तरह से चेंज हुआ है। तो दोस्तों, ऐसे ही अपने आप को अपडेट रखना चाहिए, और अगर आप किसी इन्वेस्टमेंट में कर रहे हो तो। और यहाँ पे जो कुछ दोस्त मतलब जो होल्डर्स है, स्टेक होल्डर्स है या फिर जो शेयर होल्डर्स है, उनको ये कन्फ्यूजन है कि 3i इन्फोटेक ने चीट किया है, लेकिन चीटिंग यहाँ नहीं है दोस्तों। वहाँ पे सीधा SOA में भी बताया गया था कि ये
बस सीधा कन्वर्जन है, रिड्यूस क्वांटिटी करके प्राइस को इंक्रीज कर रहे हैं उतना टाइम्स। तो इसमें कहीं से भी आपको कोई वैल्यूएशन में दिक्कत नहीं है, तो जब वैल्यूएशन में दिक्कत नहीं है तो वो चीटिंग कहाँ से होगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, धन्यवाद।